हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप एंड वेरिएबल। डेटा टाइप उस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे ये बताता है। वेरिएबल के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, कितनी साइज का डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये सब हमें डेटा टाइप के थ्रू पता लगेगा। व्हेन वेरिएबल इज डिक्लेयर और डिफाइन, कंपाइलर allocate some memory based on which data type is used। जब भी variable declare होगा compiler एक fixed size of memory allocate करता है जो depend करेगा कितनी memory allocate करनी है। ये किससे पता चलेगा? data type के through। हर data type की अपनी एक अलग size रहती है, अपनी अलग साइज ऑफ मेमोरी एलोकेशन रहता है। वेरिएबल आर द नेम गिवन टू द मेमोरी विच कैन मैनिपुलेट। वेरिएबल जनरली एक मेमोरी को दिया गया एक वर्चुअल नेम है जो मेमोरी में नहीं दिखेगा। ये सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग या डेवलपर अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है। जैसे यहां पे एक मैं समझाती हूं, ये हमारी मेमोरी है। इस मेमोरी में ये पर्टिकुलर जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नाम क्या होगा ये हमें बताएगा वेरिएबल। इसकी साइज क्या होगी, इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा ये हमें क्या बताएगा? डेटा टाइप। इस मेमोरी का एक अपना एड्रेस होगा जो एड्रेस हम एंड के थ्रू डिनोट करेंगे। ईच वेरिएबल हैज स्पेसिफिक टाइप विच डिटरमाइन साइज टाइप लेआउट ऑफ मेमोरी। हर वेरिएबल की अपनी एक साइज रहेगी, अपना एक लेआउट रहेगा, अपना एक टाइप रहेगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन कंटेन लेटर्स डिजिट अंडरस्कोर बट स्टार्ट विथ लेटर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल जब भी हम डिक्लेयर करेंगे उसमें तीन चीज आ सकती है, लेटर्स डिजिट एंड अंडरस्कोर। बट हमेशा हमें ये याद रखना है कि जब भी हम लेटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो हमेशा लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। लेटर मीन्स ए, स्मॉल ए, बी और अंडरस्कोर। हम डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहां पे वेरिएबल, तो ये लेटर से स्टार्ट है तो ऐसे हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। बट वन वेर ये हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि C++ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहां पे ए और स्मॉल ए, कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस होता है। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूं। स्टार्ट और स्मॉल में स्टार्ट, ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ है, ये स्मॉल से स्टार्ट हुआ है, तो ये दोनों टू डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। एक सिंटेक्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, हम डेटा टाइप और वेरिएबल्स को कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे है डेटा टाइप, पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, देन उसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम लिखेंगे और सेमी कॉलम। एग्जाम्पल इंट आई, यहाँ पे डेटा टाइप है इंट, तो ये इंट हमें बताएगा कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर किस तरीके का डेटा यूज करेंगे हम, उस पर्टिकुलर डेटा का टाइप क्या होगा, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम है आई। तो जैसे मैंने मेमोरी एलोकेशन में आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेमोरी का नाम है, वेरिएबल है आई, और डेटा टाइप क्या है? इंट। तो इंट कितनी स्पेस लेगा, क्या टाइप का डेटा स्टोर करेंगे ये हमें क्या बताएगा? इंट। और इस पर्टिकुलर मेमोरी का नाम क्या है? आई।
जस्ट लाइक कैर सी, फ्लोट एफ. तो अब हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के टाइप्स, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप. बेसिकली तीन तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन या प्रिमिटिव, दूसरी होती है डिराइव्ड, तीसरी होती है यूजर डिफाइंड. पहली होती है बिल्ट इन या प्रिमिटिव, उसके छह टाइप्स होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट या वॉइड. पहली होती है इंटीजर, जिसका कीवर्ड हम यूज करेंगे इंट, 4 बाइट की स्पेस होती है और इसकी रेंज होती है -2147483647 से 2147483647 तक. हमें किसी की एज पूछनी है या नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स पूछने हैं, जो भी हमारा इंटीजर टाइप का डेटा हम इनपुट लेंगे सामने यूजर से, या जो आउटपुट हमारा इंटीजर टाइप का डेटा आएगा उसमें हम इंटीजर डेटा टाइप यूज करेंगे. दूसरी होती है कैरेक्टर, जिसका कीवर्ड है कैर, CHAR, जो 1 बाइट का स्पेस लेगा, जिसकी रेंज होती है -128 से +127 तक. यहाँ पे हम ए बी सी टाइप का इनपुट लेंगे, या हमारा आउटपुट अगर कैरेक्टर में आने वाला है तो हम कैर डेटा टाइप का यूज करेंगे, जैसे हमें किसी से जेंडर पूछना है. तीसरी होती है बूलियन, जिसका कीवर्ड है बूल, ये या तो ट्रू या तो फॉल्स स्टोर कर सकता है, या तो वन या तो जीरो स्टोर कर सकता है. जैसे हमें सामने वाले से इनपुट चाहिए वन या जीरो में, ट्रू या फॉल्स में, तो वहां पे हम बूल डेटा टाइप का यूज करेंगे. फोर्थ होती है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट में फ्लोट कीवर्ड यूज होगा, यहाँ पे हम डेसिमल टाइप का डेटा यूज करेंगे. अगर हमारा डेटा डेसिमल टाइप है, जैसे हमें किसी से सैलरी पूछनी है या कुछ कैलकुलेशन का हमें लगता है कि उसका जो इनपुट है या आउटपुट है वो फ्लोट में आने वाला है या डेसिमल में आने वाला है, तो हम इंटीजर ना लेते हुए हम फ्लोट लेंगे. नेक्स्ट होती है डबल फ्लोटिंग पॉइंट. जस्ट लाइक फ्लोट डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट भी वैसे यूज होगा, बस इसका जो साइज रहती है ये 8 बाइट रहती है, फ्लोट की साइज रहेगी 4 बाइट. नेक्स्ट होती है वॉइड, वॉइड कीवर्ड यूज करेंगे हम, ये दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो रिटर्न हमारा जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा वो अगर नल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वहां पे हम वॉइड रिटर्न टाइप का यूज करेंगे. जैसे हमने प्रीवियस बेसिक सिंटेक्स में देखा था, मेन फंक्शन जो रहता है उसका रिटर्न टाइप वॉइड मेन लिखते हैं हम, या इंट मेन लिखा है तो हमें रिटर्न जीरो करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम वॉइड यूज करेंगे. और अगर हमें पता है कि हमारा जो भी फंक्शन है या जो भी डेटा है वो वैल्यूलेस एंटिटी है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वहां पे भी हम वॉइड रिटर्न टाइप या डेटा टाइप का यूज करेंगे. रिटर्न टाइप का मतलब होता है यहाँ पे फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, वो कैसी वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है रिटर्न टाइप से. जैसे ए प्लस बी सम होने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, वो वैल्यू क्या होगी. जैसे 1+1 है, अगर ए में भी 1 है बी में भी 1 है, 1+1 ऑब्वियस सी बात है एक इंटीजर ही होगा, तो रिटर्न टाइप वहां पे क्या हो जाएगी, इंट. अगर 1.1+1.1 है तो रिटर्न टाइप क्या हो जाएगी, फ्लोट. नेक्स्ट डेटा टाइप का टाइप होता है डिराइव्ड. यहाँ पे चार होते हैं, फंक्शन, अरे, पॉइंटर, रेफरेंस. फंक्शन बेसिकली ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ स्टेटमेंट रहता है, जो कुछ इनपुट लेगा उसे एग्जीक्यूट करेगा, कंप्यूट करेगा और उसका आउटपुट जनरेट करेगा. फंक्शन कुछ इनपुट लेता है, उसे कंप्यूट करता है और आउटपुट जनरेट करता है, ये होता है फंक्शन. सेकंड होता है अरे. अरे सिमिलर डेटा टाइप का एक सिंगल एलिमेंट होता है. अरे सिमिलर डेटा टाइप का एक सिंगल एलिमेंट होता है. यहाँ पे हम बहुत सारे इनपुट एक ही साथ ले सकते हैं. यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट होगी, उसकी हम साइज पहले ही अरे में बताएंगे. अगर वो 5 साइज है तो उसमें हम 5 तरीके का 5
इनपुट ले सकते हैं बट सेम डेटा टाइप के। नेक्स्ट होता है पॉइंटर। पॉइंटर एड्रेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। एड्रेस जैसे मैंने अभी पहले बताया, मेमोरी रहती है, मेमोरी का नाम रहेगा। सपोज इस मेमोरी का नाम है ए, इसके अंदर किस तरीके का डेटा यूज होगा वो डिफाइन करेगा इंट या डेटा टाइप। इस मेमोरी का एक अपना एड्रेस रहेगा, उस एड्रेस को हम ऐसे डिनोट करेंगे और इस एड्रेस को पॉइंट करेगा पॉइंट। पॉइंटर के अंदर क्या स्टोर रहेगा? उस वेरिएबल का एड्रेस। पॉइंटर क्या स्टोर करके रखता है? वेरिएबल का एड्रेस। नेक्स्ट होता है रेफरेंस। रेफरेंस वेरिएबल का एक अल्टरनेटिव नेम रहता है। नेक्स्ट होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। उसमें आते हैं 5, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम या इनुमरेशन और टाइप डेफ। पहला होता है क्लास। क्लास एक उप्स का कंसेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है, जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को होल्ड करके रखता है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है जिसके अंदर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस रहते हैं। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डिफरेंट डेटा टाइप के ग्रुप को होल्ड करके रखता है एक सिंगल टाइप में। अलग अलग डेटा टाइप्स के ग्रुप को होल्ड करके रखता है एक सिंगल टाइप में। इसका कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट। नेक्स्ट होता है यूनियन। यूनियन सेम डेटा टाइप के, सेम स्ट्रक्चर के डेटा को होल्ड करके रखता है बट उसकी मेमोरी लोकेशन अलग अलग रहती है। स्ट्रक्चर में सेम डेटा टाइप के डेटा होल्ड होते हैं और एक सिंगल डेटा टाइप में उसको कंपाइल किया जाता है, बट यूनियन में सेम स्ट्रक्चर रहता है बट मेमोरी लोकेशन अलग अलग रहती है, मेमोरी लोकेशन भी सेम रहती है। नेक्स्ट होता है इनुमरेशन, जिसका कीवर्ड है इनम। यहाँ पे हम इंटीग्रल कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है टाइप डेफ। अगर हमें हमारी कुछ डेटा टाइप, नई डेटा टाइप डिफाइन करनी है तो हम उसे टाइप डेफ कीवर्ड के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट, डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। कीप सब्सक्राइबिंग, लाइक एंड शेयरिंग। थैंक यू।